के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रहे अतिक्रमण अभियान के संबंध में सदर सांसद प्रवीण निषाद ने किया जिला अधिकारी से मुलाकात। कहा जिनकी जमीनों का हो रहा अधिग्रहण उनको मिले उचित मुआवजा। ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डीएम ने ब्लाइंड चाइल्ड एजुकेशन को दिए 10 कंप्यूटर सेट। कहा समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे दिव्यांग। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 100 शैया मार्ग एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का सीएमओ ने किया निरीक्षण। कहा नए साल में जनता को मिलेगा तोहफा। 2 दिवसीय 32वीं राज्य स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ रंगारंग शुभारंभ। बास्केटबॉल प्रतियोगिता में गोरखपुर की टीम बनी विजेता। 31 दिसंबर तक चलेगा खसरा और रुबेला टीकाकरण अभियान। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा 11 लाख से ज्यादा बच्चों का अब तक हुआ टीकाकरण। टीकाकरण अभियान में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है गोरखपुर। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव के अवसर पर आयोजित हुआ दुल्हन सजाओ प्रतियोगिता और दीप उत्सव कार्यक्रम। अमर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। वार्ड संख्या 64 अहमदनगर चकसा हुसैन ने जल जमाव सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ने नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। और उज्जवल ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में सेंट एंड्रयूज क्रिकेट टीम ने रॉयल उद्यांश क्रिकेट क्लब को 23 रनों से हराया।